हमारे मासलपुर के केसरी सिंहकापुरा का गांव की ये कहानी है कि यहाँ के लोगों को सरकार की स्कीम के अंतर्गत राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, भामाशाह कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। इसके अंतर्गत ई मित्र सेंटर वाले मनमाने तरीके से पैसे वसूल कर रहे हैं। डीलर है, इसने बताया कि आधार कार्ड बनवाओ, आपको मिट्टी उतर मिल जाएगा, आपको गेहूँ मिल जाएंगे। हमको हमारे 100 रुपये ले बनाने के, अभी हमारी आँखों की लई निशानी, हाथों की निशानी, फोटो लिया ये। और कोई रसीद वगैरह दी आपको? कोई रसीद नहीं दी हमारे लिए। तो उससे ये नहीं कहा कि इसके लिए कोई रसीद वगैरह, आपने 100 रुपये यूं दे दिए? तो ऐसा हमें जानकारी नहीं थी, नहीं किसी पर 60 रुपये ले रहे, किसी पर 80 रुपये ले रहे, किसी पर 100 रुपये ले रहे, ऐसा जैसे जानकारी के हिसाब से लेते हैं, सब देख लेते हैं अपने आप। और कितने लोगों ने बनाया आपके? हमारे घर में कम से कम देखो 20 आधार कार्ड बनवाए हमने, 2000 रुपये खर्चा हुआ। और सब देखो गरीब आदमी है, जैसे आदमी चला जाए चल देते, जानकारी तो नहीं है नहीं। इस वीडियो को बनाकर संबंधित अधिकारी से मिली और इस समस्या के बारे में बताया। इस समस्या के को हायर करते हुए उन्होंने अखबार में जानकारी निकाली कि आधार कार्ड करौली कलेक्ट्रेट भवन में निशुल्क बनाए जा रहे हैं। आज से 1.5 महीने पहले जो बात हुई थी, उसके बाद में जो साहब ने मशीन लगवा दी फ्री वाली, और जो काफ़ी 2-3 जो मशीनें चल रही थी बाहर आसपास घूमते इंस्पेक्शन करके, उनको भी बंद करवा दिया, और शायद संभव है वो भी निःशुल्क ही बना रहे हैं। इनका आया पेपर में कि आधार कार्ड कलेक्ट्रेट में फ्री में, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है फ्री में। आप जैसे कितने लोग यहाँ पे बनवा रहे हैं? अभी बहुत लोग हैं, अभी बनवा के चले गए और अभी और भी आने वाले हैं। तो आपको क्या सबूत मिला कि वहाँ जो आपने पैसे दिए थे और यहाँ पे फ्री बन रहा है, तो कितना आपको बेनिफिट होगा इसका? बेनिफिट तो अपन को फायदा ही है, इसमें मजदूर आदमी है अपन, तो थोड़ा बेनिफिट तो आदमी, 1 रुपये भी फायदा होता है तो फायदा तो फायदा ही। मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में भी आम जनता को निःशुल्क आधार कार्ड का लाभ मिले। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।